हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है, अभी तक के जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं उनसे डिफरेंट है, वो है सॉर्टिंग का। इसमें हम आज करेंगे कि हम जो अपने एलिमेंट्स हैं एरे के, जो कि हमें दिए गए हैं, तो उनको हम कैसे सॉर्ट करें कि वो जिस फॉर्म में हम चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वो सीरीज वाइज हो, तो वो कैसे आएंगे, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के जितने वीडियोस मैंने डाले हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और आपके सबके इतने प्यार के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियोस को चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर तो आप पुराना है तो फिर तो आप को पता ही है अब हम आगे क्या करेंगे। तो चलिए, बिना किसी रुकावट के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो सॉर्टिंग क्या कहता है कि सॉर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए सो दैट दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि सॉर्टिंग इधर क्या रेफर कर रहा है, एक ऑपरेशन की हमने एलिमेंट्स जो हैं एरे ए जो है, इधर एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने एक एरे है ए, उसके एलिमेंट्स को रीअरेंज करना है ताकि वो जो है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक होता है बबल सॉर्ट, एक होता है इंसर्शन सॉर्ट, और एक होता है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट। तो फिलहाल हम जो आज इस वीडियो के लिए करेंगे वो है हमारे पास बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशली ट्रावर्सिंग थ्रू ऑल पार्ट और अ लिस्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंटली लिस्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अ कॉल्ड अ पास। सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशली ट्रावर्सिंग थ्रू ऑल और अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड अ पास अकॉर्डिंग टू द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम रिक्वायर्स एन माइनस वन फेसेस पासिस वेयर एन इज द नंबर ऑफ इनपुट आइटम और एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, बबल सॉर्ट कहता है कि हम इसमें क्या प्रोसेस करेंगे कि हम हर जो एक पार्ट है, हर एक एलिमेंट को ट्रांवर्स करेंगे, जो लिस्ट है उसका हर एक एलिमेंट्स के साथ बेसिकली कंपेयर करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान ले कि जो मेरे पास एग्जांपल है एरे के अंदर, मेरे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं कोई भी है, मान ले पहला है 15, फिर है 20, फिर है 10, फिर है 5, फिर है 25। अभी मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करवा के देखेंगे कि वो उससे छोटा है या नहीं है। ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पासिस। पासिस का मतलब क्या है, पासिस होंगे कि कितने स्टेप्स में हमारा ये जो प्रोसेस चलेगा एक हिसाब से। तो अगर आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं ना, तो पासिस की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस वन। एन क्या है हमारा, एन है हमारा जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी है उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, तो उन 5 एलिमेंट्स की वजह से अब इधर पासिस कितने होंगे, 4। हाँ, अगर आपका जो है रिजल्ट, या जो अगर आप हैंड रिटन एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका जो सॉर्टिंग है वो, आप अगर मान लें कि मेरे पास 4 पासिस हैं और मेरा जो है सेकंड पास में ही मेरा जो है सॉर्टिंग हो जाती है, तो ये चीज़ हो सकती है। ये चीज़ इसके लिए ये कोई, या क्या कहते हैं उसको, इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन जो है इजीली सॉर्ट आउट हो गया, हमें ज़्यादा पासिस की तरफ जाना नहीं पड़ा। लेकिन नॉर्मली जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो 4 पास, जितने पासिस होते हैं उधर तक चला जाता है, सिर्फ एक आधा पास जो है वो रह जाता है। तो चलिए, आगे हम अपने एल्गोरिदम की तरफ बढ़ते हैं। तो एल्गोरिदम में हमने इस के एल्गोरिदम को जो नाम दिया हुआ है बबल, बबल हमने बबल सॉर्ट के नाम के हिसाब से दिया हुआ है। और आगे है इसका, इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे वो क्या क्या है, डाटा। डाटा क्या है कि कितने एलिमेंट्स का डाटा हमें दिया गया, जैसे जो मैंने 5 एलिमेंट्स लिए थे वो एक हिसाब से डाटा ही है इसका। और एन क्या है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। डाटा क्या है कि वो डाटा, डाटा के अंदर जो एलिमेंट स्टोर करेगा, और जो एन क्या है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। लिखा हुआ है कि हेयर डाटा इज एन एरे विद एन एलिमेंट्स। डाटा क्या है, एक एरे है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं। दिस एल्गोरिदम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डाटा। ये एल्गोरिदम क्या करेगा कि जो डाटा के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कर देगा।
तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3 फॉर के इज इक्वल्स टू 1 to n-1। अब इन्होंने बोल रहा है कि हमने दूसरा और तीसरा स्टेप कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारी के की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक हो। के इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पास 1, और n-1 क्या है, जो हमारा लास्ट पास होगा n के हिसाब से। अगर हमारे पास n की वैल्यू 10 है तो ये 9 तक चलेगा, अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है तो ये 4 तक चलेगा। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि सेट PTR इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि हमने जो अपना पॉइंटर है वो 1 के ऊपर पॉइंट करवाना शुरू कर देना है, कि वो उस एलिमेंट की तरफ जो उस एरे की है उस उधर वो पॉइंट करना शुरू कर दे। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, रिपीट वाइल PTR इज लेस देन इक्वल्स टू n-1। और ये जो हमारा पॉइंटर है और ये जो हमारा अभी स्टेप लगा रहे हैं, जो थर्ड स्टेप के अंदर अभी हम स्टेप्स लगाएंगे, वो कब तक कंटिन्यू करवाने हैं, जब तक हमारे पॉइंटर की वैल्यू जो है 1 से शुरू होके जो जितना हमारे पास लास्ट पास है तब तक ना आ जाए, उस तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। और इसमें अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है, इफ़ डाटा PTR इज ग्रेटर देन डाटा PTR+1 देन इंटरचेंज डाटा PTR एंड डाटा PTR+1। अब इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ क्या कह रहा है हमें, कि अगर जिस जगह हमारा जो है पॉइंटर, जिस जगह के डाटे को पॉइंट कर रहा है, अगर उसका जो डाटा है वो ग्रेटर देन है, जो उससे नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा उसको जब पॉइंटर पॉइंट करेगा, उसके नेक्स्ट जो मतलब जिस जगह पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है उससे जो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है या जो एरे का लोकेशन है, उससे जगह अगर हमारा डाटा छोटा है और जो पहली लोकेशन है जिधर पॉइंट कर रहा है उस जगह हमारा डाटा बड़ा है, तब उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि हमारा जो है दोनों के डाटा की लोकेशंस को इंटरचेंज कर देगा। मतलब कि जो पहले डाटा PTR+1 पे जो एलिमेंट था वो अब कहाँ पे प्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा, वो होगा डाटा PTR पे, और जो हमारा डाटा PTR पे था वो अब पॉइंट करना कहाँ शुरू कर देगा, डाटा PTR+1 पे। और सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेट PTR इज इक्वल्स टू PTR+1, मतलब कि अब हम आगे ने हमने अपनी लूप को है जो आगे बढ़ाना है, तो हम अपना क्या करें, काउंटर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम अब PTR1 पे उसका काम हो चुका है, तो अब वो नेक्स्ट PTR मतलब सेकंड PTR की तरफ अपना मूवमेंट करें। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, एग्जिट, मतलब कि हमारा जो है एल्गोरिदम इधर ख़त्म होता है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल भी साथ में करवा के ये बताऊंगा कि एग्जाम्पल से जब आप उसको देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा समझ आएगी कि हमने इसका बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे अप्लाई किया और ये चीज़ कैसे काम करती है। तो लीजिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एग्जाम्पल देके आया हूँ अपने सामने। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि हमने सॉर्ट करवाना है, एलिमेंट्स हैं हमारे पास 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 और 57। इसमें टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 8, और जो मतलब कि हमारे पासिस बनेंगे वो बनेंगे n-1, वो भी होंगे 7 के बराबर। तो अभी इसका जो फर्स्ट पास मतलब k इज इक्वल्स टू 1 जब होगा, तब उस कंडीशन में जैसे कि जो हमारा स्टेप था जिसमें हमें बोला गया था कि रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3 फॉर के इज इक्वल्स टू 1 से लेके n-1 तक, मतलब के इज इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक। और जो सेकंड स्टेप हमें बोला गया था सेट PTR इक्वल्स टू 1, मतलब हमने 1 से शुरू करवाना है। थर्ड स्टेप में क्या बोला था कि अगर हमारा डाटा PTR जो है वो ग्रेटर देन है जो PTR के नेक्स्ट वाले एलिमेंट से उसके डाटा से, तब हम क्या करेंगे इंटरचेंज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पास में क्या हम कर रहे हैं, 32 और 51 को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं। अगर हमारा जो जैसे कि हमारा जो इधर डाटा PTR जो 1 है उसके ऊपर जो डाटा है वो 32 है, और जो नेक्स्ट डाटा PTR+1 है उसके ऊपर जो डाटा है वो है 51। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करवाएंगे, अगर अब वो उससे बड़ा छोटा है तो उस केस में क्या चीज़ होगी, वो डाटा उधर ही रहेगा, अगर वो उससे बड़ा होता तो 51 आगे आ जाता और 32 पीछे चला जाता। आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब आप इसके ही सेकंड लाइन में जब आप देखेंगे यहाँ पर कि 51 और 27 को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, अभी ये वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 27 नेक्स्ट प्लेस क्या होगा, आगे आके
सेटल या प्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। वैसे ही बाद में फिर जो थर्ड लाइन होगी उसमें हम 51 और 85 को करवाएंगे, फिर इनमें से जो छोटा वो आगे आ जाएगा, फिर जो नेक्स्ट हो वो अगले वाले से कंपैरिजन करेगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते हमारे पास पास वन पे जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। फिर हम जो पास वन अब हमारा ख़त्म होगा, अब हम नेक्स्ट पास की तरफ जाएंगे, मतलब अब हम अपना पॉइंटर जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो सेट पॉइंटर इज इक्वल्स टू पी पॉइंटर प्लस वन का यही मतलब है कि हम अब इसको इंक्रीज़ करेंगे। और इसमें क्या होगा, अब जो हमारे इसका जो जो फर्स्ट पास का जो आंसर आया था, सोल्यूशन आया था, उसके एलिमेंट से ही हम शुरू करेंगे। अब 32 और 27 का आपस में कंपैरिजन होगा, तो 27 इधर छोटा है इसलिए वो 27 जो है वो पहले आ जाएगा, और नेक्स्ट में 32 और 51 का कंपैरिजन होगा। और ऐसे ही कंपैरिजन करते 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 जो हमारा पास टू का रिजल्ट है वो ये आएगा। और फिर हम पॉइंटर हमारा फिर से इंक्रीज़ होगा, और पॉइंटर 3 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो अब इसको फिर से करेगा कि जो हमारा पॉइंटर 2 के ऊपर, जो पास 2 के ऊपर हमारे जो वैल्यूज आई थी, अब उसी से हम पास 3 को स्टार्ट करेंगे। फिर 27 इसमें भी 32 के साथ कंपेयर करेगा, अब ये दोनों बिल्कुल सही है तो ऐसे ही रहेंगे। फिर 32 51 के साथ करेगा, ये भी बिल्कुल सही है तो ये भी ऐसे रहेगा। अब 51 जो है 23 के साथ कंपेयर करेगा, लेकिन 23 छोटा है इसलिए नेक्स्ट स्टेप में 23 जो है वो 51 की जगह ले लेगा, और 51 जो है वो 23 की जगह ले लेगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 51 और 13 का फिर से होगा, फिर से ये इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि डाटा जो है वो बड़ा छोटा है। फिर जो नेक्स्ट में 51 और 57 का होगा, 51 इधर छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा, और 57 और 65 का होगा तो ये भी डाटा जो है सेम है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर जो है नेक्स्ट 66 और 85 का होगा, ये भी सेम सही है तो इसलिए हमारा जो है रिजल्ट वो ये आएगा। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ देख सकते हैं कि हम पास 4 के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो पास 4 पे जब हम पहुँचे हैं तो हमारे पास जो पास थर्ड का रिजल्ट था उसके ऊपर हमने देखा, ये जो हमारे जो टॉप पे एलिमेंट्स हैं ये सारे जो है वो पास थर्ड का जो है हमारा रिजल्ट था। अब हम उसी के साथ कंटिन्यू करना है, तो हम सभी को कंपेयर करते जाएंगे आपस में। तो जैसे जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है पास 4 का रिजल्ट आएगा ये वाले एलिमेंट्स। और इसके साथ जब हम पास 5 को शुरू करेंगे, अपना पॉइंटर फिर से एक बार और इंक्रीज़ करेंगे, हम पॉइंटर इंक्रीज़ करेंगे, ये कब तक इंक्रीज़ होते रहेंगे, जब तक हमारा पॉइंटर जो है एन माइनस वन वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो एन माइनस वन वैल्यू जो थी हमारी थी वो इधर 7, तो हम मतलब इसको 7 पासिस तक चलाएंगे प्रोसेस को। तो अब इधर देख रहे हैं कि मेरे टोटल पासिस भी 7 बने हैं, और मेरा जो है 7th पास के ऊपर जाके मेरा जो है रिजल्ट फॉर्म हो चुका है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सॉर्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो है हमारा 13, 23, 27, 32, 51, 57, 66 और 85। मतलब कि हमारा जो है बिल्कुल सही रिजल्ट आया है सॉर्टिंग के बाद। अब जो है हमारा, मैंने आपको एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन किया, उसके साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाई है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो है अपनी तरफ से अच्छे तरह से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।